गुड मॉर्निंग गाइस। तो दोस्तों, खुशी बनाने का टाइम आ चुका है। अब आप लोगों के सैलरी के नोटिफिकेशन बढ़ने स्टार्ट होने वाले हैं 18 तारीख से। जो बिल बनेंगे, हो सकता कि 18 तारीख से, हो सकता कि 18 तारीख को प्रोसेस स्टार्ट होगा तो 18 तारीख को शाम तक किसी डिस्ट्रिक्ट का भत्ता भी आ जाए, हो सकता है। अदरवाइज 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 19 को 20 को आगे कभी भी आ सकते हैं। कभी एक दो दिन निकल भी गया तो जो एक दो दिन निकलेगा उसके बाद 3, 4, 5 या 7 डिस्ट्रिक्टों की सैलरी एक साथ देखने के लिए मिलेगी आपको। 900, 1500, 1500, 3000, 6000 भरपूर मात्रा में सैलरी देखने की मिलेगी, क्योंकि पिछले काफ़ी मंथ से सैलरी नहीं आई है। सैलरी तो दूर की बात है, भत्ता ही अपलोड नहीं हुआ है। बहुत कुछ सिस्टम देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। इत्मीनान बनाए रखना हर एक चीज़। हाँ, एक बंदे की मेरे पास मेल आई थी, अजय जाखड़ जी पलवल से, पोस्ट ग्रेजुएशन से, उसके 3 महीने का भत्ता आया 9000 रुपये का। उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड किया है मेल के ऊपर, उसके पास भी मेल आई थी, लेकिन सैलरी का मेल कैसे आ सकती है, नोट मैसेज आते नॉर्मली। तो जो भी है, उसने मेरे पास सेंड की थी, ठीक है। लेकिन जो मेन बिल हैं वो 18 तारीख से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। 18 तारीख के बाद आपकी सैलरी कभी भी आ सकती है। आने से पहले मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आज इस डिस्ट्रिक्ट से कंफर्म हो चुका है। कभी कभी कोई डिस्ट्रिक्ट से कंफर्म भी नहीं होता भाई, कभी डायरेक्ट सीधी मेल आ जाती हैं, उनसे कभी मेरी बात भी नहीं हुई होती, सीधा सिंपल बता रहा हूँ। लेकिन किसी से पहले बात हो जाती है, वो बता देते हैं कि हाँ आज आएगी या कल तक आएगी या 2-3 दिन बाद आएगी, ठीक है, उस हिसाब का पता लग जाएगा। तो अपना चेकआउट करते रहना, वर्क के मैसेज भी चेकआउट करते रहना, क्योंकि वर्क के मैसेज के नोटिफिकेशन अगस्त में भरपूर मात्रा मिले थे और वो अगस्त वाले सितंबर में निकल रहे हैं, ठीक है। तो वर्क के मैसेज, अपनी आईडी वाले, आईडी पे भी भत्ता अपलोड का प्रोसेस चलता रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट पीछे है ना, उनका काम चलता ही रहेगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अपना सब कुछ काम कर दिया, उनके जो भत्ते का बिल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे 18 तारीख से। आज हो गया सैटरडे, कल हो गया संडे, शायद 2 दिन कोई नोटिफिकेशन ना आए, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है, तो उस हिसाब से देख देंगे। लेकिन जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। शायद टेलीग्राम आपको सभी को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, तो किसी पर अटेंशन मत लेना। तो आराम से रिलैक्स रहो, आराम से, और खुश रहो।